हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजकल हमारे बाल इतने ज़्यादा सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, उसका क्या कारण है, कौन से विटामिन की वजह से हमारे बाल इतने सफ़ेद हो रहे हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम अपने खान पान में क्या ऐसा सुधार करें कि जिससे हमारा बाल एकदम तो काला नहीं हो पाएगा बट हाँ धीरे धीरे करके वो काला होगा। तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले क्या होता था कि उम्र के हिसाब से बाल पकते थे लोगों के, लेकिन अब हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से कम उम्र में ही लड़कियों के तो बाल पक जाते हैं। लड़कों में भी ऐसा होता है, लड़कियों के अक्सर ही ऐसा हो रहा है शैम्पू की वजह से, कई सारी चीज़ों की वजह से हो। और आपको पता है जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ना, तभी हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो बाल सफ़ेद होने का मुख्य कारण ये भी है, विटामिन और पोषक तत्वों की कमी शरीर में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से विटामिन की वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं एक्चुअली में, वो कौन सा विटामिन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इसकी कमी से तेज़ी से बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो बाल सफ़ेद होने का मुख्य कारण विटामिन B12 है, और इसके अलावा और भी कई कारण हैं वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन मुख्य कारण है विटामिन B12 की कमी। जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है तभी हमारे शरीर में मेलानिन भी कम बन पाता है, उसकी भी कमी हो जाती है, जिसके कारण ही हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं मेलानिन की कमी के कारण। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विटामिन B12 के लिए हमें कौन से फूड खाने चाहिए। आप विटामिन B12 के लिए सालमन मछली खा सकते हैं या ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं, इससे आपके बाल सफ़ेद होने से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि जो लोग प्योर वेजिटेरियन है, शाकाहारी भोजन करते हैं, वो इस सालमन मछली को कैसे खा सकते हैं। अपने बाल सफ़ेद को काले करने के लिए वो अपना धर्म तो नहीं भ्रष्ट कर सकते हैं ना, तो उनके लिए भी मेरे पास सलूशन है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि वो इसको स्किप करके दूसरी चीज़ें और क्या कर सकते हैं अपने बालों को सफ़ेद से काले करने के लिए। तो वो लोग दूध और दूध से बनी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ों में विटामिन B12 के साथ साथ प्रोटीन, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर होती है, जो कि सफ़ेद बालों को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। और दूध में कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो दूध तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ही। और दूध से हमारा दूध में B12 भी रहता है, तो बाल को काले करने के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो हमें दूध अवश्य ही पीना चाहिए। और हमारा तीसरा कौन सा चीज़ है, तो हमारी तीसरी चीज़ है ड्राई फ्रूट्स, जैसे बादाम, काजू और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। सफ़ेद बालों से निजात के लिए ये चीज़ डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। तो विटामिन B12 की कमी के लिए, सफ़ेद बालों को काला करने के लिए बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारे बाल धीरे 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 करके काले होने लगेंगे। तो ये तो हमारा हो गया डाइट से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और इसके अलावा भी हमें अपने हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, कंडीशनर, इन सब पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जितना हो सके हमें नेचुरल चीज़ें उपयोग करनी पड़ेंगी जो कि हमारे बालों को काला करने में मदद करेगा। तो हम आपको दूसरी वीडियो में ये भी बताएंगे कि हमें अपने बालों में कौन सा शैम्पू, हर्बल शैम्पू उपयोग करना चाहिए या फिर कौन सा ऑयल, हर्बल ऑयल उपयोग करना चाहिए, वो सब हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही जानकारी है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।